नाजरीन, मैं हूँ कोमल नकवी। प्रोग्राम टी टाइम विद कोमल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, हमेशा मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ अच्छे, खूबसूरत, हंसते मुस्कुराते गेस्ट से जिनका किसी न किसी पेशे से ताल्लुक़ होता है। तो या तो वो कोई स्टार होते हैं या कोई पॉलिटिशियन होते हैं या किसी न किसी शोबे से उनका ताल्लुक ज़रूर होता है। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का आपसे तारुफ़ करवाऊँ, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आज कराची के थोड़े से मौसम पर बात करती हूँ, क्योंकि कराची का जो मौसम है वो बड़ा अच्छा होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी स्टार्ट हो रही है, तो जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो कराची में सर्दी का जो मौसम है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी तो वैसे भी पड़ती नहीं है, लेकिन जितनी भी पड़ती है लोग उसको काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने चाय के इस टाइम पे थोड़ा सा इस मौसम को भी मैं डिस्कस करूँ। डिस्कस क्या करूँ, सर्दी के मौसम में कराची का इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज इस तरह से हो जाता है क्योंकि कराची में ज़्यादा सर्दी तो होती नहीं है, सर्दी नहीं होती है तो लोग उसको जैसे ही वो कराची में एंट्री देती है तो लोग उसको एंजॉय करते हैं। लाइक लोगों की ड्रेसिंग चेंज हो जाती है, खाना पीना चेंज हो जाता है। तो कराची में मैं ये समझती हूँ कि सर्दी को लोग एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोगों को सर्दी पसंद होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती, खैर ये एक अलग सिलसिला है, अलग बात है। आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम है वो इसी की तरफ आता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, और काफ़ी सारे लोगों को तो इसका इंतज़ार भी रहता है कि जी सर्दी कब स्टार्ट होगी और कब जो है वो अच्छे से खाना शुरू करेंगे। और क्योंकि खाने की रूटीन भी चेंज हो जाती है ना लोगों की सर्दी में, जैसे कि आप मुरगन खाने ले लें, पाए हो गए या फिर सूप हो गए, अंडे हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी रूटीन का फेरसा हो जाती है। खैर ये तो थी सर्दी की बात। मैं आज आपको अपने मेहमान से भी मिलवाती हूँ। आप कहेंगे कोमल आज क्या सर्दी का टॉपिक लेके बैठ गई है, इसका मेहमान कहाँ है। चले मेहमान से भी आपको मिलवा देती हूँ। आज के जो मेहमान है हमारे वो जिस शोबे से उनका ताल्लुक है काफ़ी मौजिस शोबा है, और एक दफ़ा पहले भी मैं आपके इसी शोबे से मुतालिक अपने लोगों से मुलाकात आपकी करवा चुकी हूँ, तो सोचा एक बार फिर क्यों ना एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊँ। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इस किस्म की जो शख्सियत हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, एफर्ट करके हम तक पहुँचती हैं ना, तो उनको ज़रूर सामने आना चाहिए, उनसे आप सबको मिलवाना बड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने एक ऐसी शख्सियत को दोबारा भी बुलाया अपने पास। ठीक है, तो मैं अपने गेस्ट्स का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक अजीज साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और चीफ एडिटर भी हैं सचल के, सचल न्यूज़ के, जो कि आपने अक्सर देखा होगा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से शाया हो रहा है और काफ़ी जो है वो रियलिटी बेस्ड न्यूज़ आप उसमें पढ़ते हैं, देखते भी हैं। तो उन्हीं के जो रिलेटेड हैं तारिक साहब, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको कराची का मौसम? कराची का मौसम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कराची का मौसम जो है मतलब देखिए अपना शहर अपना होता है, कहीं भी चला जाए, किसी भी कंट्री चले जाए, किसी भी शहर अपना शहर अपना होता है। आपको नहीं लगता कि कराची का जो मौसम है वो बाकी शहरों से बड़ा मुख्तलिफ है? बिल्कुल, असल में समंदर हमारा करीब है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजों में फर्क आता है। अच्छा, जैसे जैसे अभी आपका मैंने तारुफ करवाया उसमें है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ इन एरियाज में जाना भी होता होगा आपका? बिल्कुल चलना है। यहाँ की सर्दी के बारे में पता होगा? ज्यादा होती है, हमारा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होती हमारी तो। इसीलिए तो मैंने अभी अपनी गुफ्तगू जो मैंने आगाज किया तो मैंने इसीलिए इसमें जिक्र किया कि कराची में जो है वो सर्दी इंजॉयमेंट करने के लिए पड़ती है, वरना इतनी कोई खातिर खा सर्दी होती नहीं है यहाँ। कम से कम ये हो जाता है उससे, मतलब जो भी सर्दी जो 2 महीने या 1.5 महीना ऐसे पड़ती है, कम से कम ये कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिल जाता है, हाँ, ये है। और अच्छे अच्छे और मजीद खाने का मौका मिल जाता है, अच्छे, हाँ, खाने का, कि खाने का भी पूरा मेन्यू चेंज हो जाता है ना सबका, कि जैसे हम हल्की गजाएं ले रहे हो तो एकदम से वो उसमें चेंज हो जाती है, सिरी पाए और ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। आपको भी है इस किस्म के खाने का शौक है कुछ? बिल्कुल है, अच्छी निहारी खाने का। अच्छा, बहुत शौक है, अच्छे पाए खाने का बहुत शौक है। तो ये कराची का, ये किसी और एरिया के पसंद? नहीं, अपने अपना कराची का, अपने कराची ये का सारे अपने, देखें जाहिर सी बात है सहाफत से ताल्लुक है, तो अपने इदारे वहाँ पर ऑफिस मौजूद हैं, जाते हैं वहाँ पर। यहाँ के जो मतलब पकवान वाले या पकाने वाले ना वो वहाँ पर उन शहरों में मौजूद हैं, यहाँ के खाने के
बनाने वाले वो वहां पर वो खाने बना रहे हैं, वहां के वो लोग, वहां का पाया बहुत अच्छा है लाहौर का, जैसे वो अच्छा मशहूर है बहुत। अच्छा वैसे भी ना लोगों का काफी कहना है कि जो लाहौर की जितनी भी पब्लिक है ना, वो उनको खाने पीने का कुछ जी ज्यादा बहुत शौक ज्यादा है। शौक जी। और अच्छा सुबह की उनका मतलब रूटीन देखे, हम लोग तो कराची के लोग सुबह का नाश्ता एक अंडा बहुत ज्यादा, कोई कोई वो हाँ, भी, लाइट या से कुछ भी ले चाय लिया। या डबल रोटी से ऐसे करते हैं। वहां पर बिल्कुल चेंज है, लाहौर में इस्लामाबाद में भी ऐसी है वो, हर जगह मतलब का जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा जी अलग है। जी अच्छा दाई साहब, सहाफत जी कब स्टार्ट किया आपने? तक 96 में जी 96 में। जी इंस्पायर्ड से किसी से? शौक था लिखने का, बोलने का? देखें, जाहिर सी बात है किसी न किसी से तो इंसान मुतासिर होता है शख्सियत में, और साफ़त एक अच्छा बहुत इज्जत बाइज्जत पेशा है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें नज़र आती थी, बहुत सारे लोगों को मतलब साफ़त में उनका मुकाम देखा, तो उनसे मुतासिर होके साफ़त को तो ऐसी देखिए। कौन सी शख्सियत आपके लाइफ में आई कि आपको लगा कि नहीं जी, मुझे भी सहाफी होना चाहिए? अभी देखें कुछ समझें कि 2000 के बाद से चैनल्स का सिलसिला शुरू हुआ, पहले हमारा सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था, हमारे बहुत अच्छे अच्छे जैसे साफ़ी हैं हामिद मीर साहब, बहुत अच्छे साफ़ी हैं सोहेल वड़ाई साहब, बहुत अच्छे साहब, जो जेन्यन साफ़ी हैं जिन्होंने साफ़त के पेशे से उसमें काम करते करते टीवी चैनल्स पे आए, तो उनका तरीका, उनकी साफ़त, उनका एक तो खास तौर पर सोहेल वड़ाई साहब और हामिद मीर साहब का मतलब सहाफत का तरीका ऐसा कि वो अवाम में भी जाके सहाफत करते हैं, सिर्फ एक स्टूडियो तक महदूद नहीं होते, उनकी रिपोर्टिंग भी ऐसी रही कि हर जगह जा जाके करते हैं, तो वो मेरे को अच्छा, तो आप सुहेल वड़ाई से ज्यादा इम्प्रेस हैं या हामिद मीर से? मैं सोहेल वड़ाई साहब से ज़्यादा अच्छा, उनका ना स्टाइल भी बड़ा जबरदस्त है। जी आप अगर नोटिस किया हो जी लोगों ने, तो जी उनका बोलने का अंदाज सबसे मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसी अगर है वो कभी कहीं बोल भी रहे हो तो लोग पहचान लेते हैं कि जी वो जी वही बात जी कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसी है अच्छा, ये मुझे बताइए कि सहाफत से पहले जी। क्या थी लाइफ? तालीम की ओर से पहले अभी भी वो बिजनेस है हमारा, वो बिजनेस था, तो उस बिजनेस से हम लिखते हैं तो जब बिजनेस समझ रहे थे तो ये माइंड में नहीं आया कि जो मुझे बिजनेस में ही नहीं होना चाहिए? बस, चेंज करने का हुआ तो भाइयों ने भी वालदेन ने भी साथ दिया, तो इस तरफ हो गए उन्होंने, मतलब शुरू में थोड़ी बहुत वो हुई कि अपना काम है अपना कारोबार, या उस पर टाइम जाहिर से था बहुत, अब तो मतलब बहुत सारी आसानियां हो गई ना मोबाइल से, उस जमाने में ऐसी आसानियां नहीं थी, उधर तो उस जमाने में तो हर चीज़ पे खुद जाना पड़ता था, टेलीफोन एक वो होता था, वो पेजर भी बहुत बाद में आया पहले की सहाफत में और अब की सहाफत में जी। आपको क्या फर्क लगता है? देखिए पहले की सहाफत बड़ी अच्छी जेन्युइन चीज़ पे काम बंदा करता था, अब आसानियां हो गई हैं मोबाइल से, मतलब किसी ने भी कोई चीज़ दी वो चला दी जाती है, या उस पर मतलब तहकीक नहीं हो रही है अब अच्छा, जी आप ये समझते हैं कि अब जितनी आसानियां हो गई हैं तो जी लोग तहकीक के बगैर भी ये चीजें जो है वो शाया हो रही हैं। सोशल मीडिया ने भी बहुत ज्यादा चीजों जहाँ देखे अच्छा ही, उससे अपनी जगह है, मगर गलत इस्तेमाल बहुत हो रहा है सोशल मीडिया पे, गवर्नमेंट को भी बहुत तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नमेंट को तो पता नहीं किस किस चीज पे तवज्जो नहीं देनी इन चाहिए। देखिए ये एक ऐसा मैटर है, एक ऐसी चीज है, अब इसको देख के ना मतलब अवाम में जब वो चीज़ फैलती है ना उससे बहुत गलत मतलब चीज़ होती है, तासुर चला जाता है, तवज्जो राइट, तो आप सही कह रही हैं गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों पे देना चाहिए, मगर ये एक अहम शोबा है बिल्कुल ऐसे है। साफ़त, प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, बहुत अहम है, इससे पूरी अवाम पे ना हर चीज़ का हर चीज़ जाती है उसके ऊपर। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहले की सहाफत है और अब की सहाफत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो सहाफी थे वो पहले खुद लिखा करते थे, जी तहकीक किया करते थे। जी अब क्या हुआ है कि अब बस उनको न्यूज मिल जाती है जी किसी भी ऐप के जरिए, किसी भी तरह से, तो वो एज इट इज वो वैसे की वैसे ही चली जाती है। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि सहाफत में आने से पहले जो आप जिस बिजनेस की आप जिक्र कर रहे हैं, क्या है आपका बिजनेस, क्या करते थे आप? वैसे मेरे वालदेन और मेरे दादा वगैरह तो एडुकेट थे, मेरे दादा भी वालिद साहब भी, और मैं खुद भी उससे काफ़ी उनके साथ अटैच रहा, मेरा जो बिजनेस मेरे भाइयों का हमारा कोरियर है, वो कार्गो सर्विस का बिजनेस अभी भी है, वो अरे बिजनेस अभी भी है वो। जी।
तो इस तरफ माइंड कैसे डेवलप हुआ आपका? बस एक शौक, जैसे कहते हैं ना, शौक हो गया देख लिखने देख का के, शौक था या सच दिखाने का शौक था? लिखने का। देखें, हम अभी तो सारी चीजें जबानी हो जाती है ना, लिखा तो लिखते लिखते वो सारी चीज रिपोर्टिंग करी गए उन जगहों के ऊपर। मतलब मेरा बड़ा अभी भी है ऐसा है कि मैं भले अपने अखबार का चीफ एडिटर पब्लिशर हूँ, अभी भी मतलब मैं आपको बताऊं, जहां भी कोई ऐसी चीजें होती हैं, प्रोग्राम होते हैं या कहीं रिपोर्टिंग करने का मेरे को जहां भी होता है ना, मैं उस पर खुद भी जाता हूँ अभी भी। मतलब हाँ अभी भी शौक है कि आप खुद जी भी रिपोर्टिंग जी करें? बिल्कुल ऐसी है, अभी भी ऐसी है। अच्छा, हाँ, आज के भी जैसे अखबार में बहुत सारी चीजें ऐसी कि मैं उसके ऊपर खुद गया हूँ और उसके ऊपर तहकीक करके वो रिपोर्ट आज भी शाये है। लिखने का एक इदारिया या वो एक अलग चीज है, मगर आज भी रिपोर्ट मेरी, आज के भी अखबार में 3 रिपोर्टें हैं। मीन्स कि आप एक अच्छे लिखारी भी हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक तालीम है हासिल करने की, मजीद कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, भाई साहब मुझे ये बताएं कि ये जो आपका न्यूज़पेपर है सच्चल, जी कैसे स्टार्ट किया इसको आपने? किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए ना बड़ा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको डेवलप करने में काफी टाइम लग जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा काम है, और माशाल्लाह से इतने सारे शहरों से ये शाया हो रहा है, तो ये किस तरह से आपने डेवलप किया? देखिए, वो कुछ प्रैक्टिकल थी जो साफ़त कर रहे थे इतने अरसे से, तो वो उसको आहिस्ते आहिस्ते देखते रहे। फिर मैंने 2009 में अखबार का डिक्लेरेशन लेने के लिए अप्लाई करा। फिर वो कभी कुछ नाम कभी नाम में, ये नाम भी है ये नाम भी है। तो अब कुछ अरसे से ऐसा होने लगा है कि वफाक की तरफ से एक जो भी अखबार है वो पूरे पाकिस्तान से एक नाम का निकलेगा। पहले अच्छा। ऐसा नहीं होता था, कराची से कोई कोई और मालिक होता था, कोई और पब्लिशर होता था, चीफ एडिटर लाहौर में कोई और होता था। अब बहुत तकरीबन 2008-07 के बाद जो है वो एक अखबार जिसका होगा उस नाम पे वो पूरे पाकिस्तान में उसी के नाम से अच्छा, पहले भी डिक्लेरेशन पाकिस्तान में दिए। रूल था कि डिफरेंट एरिया से डिफरेंट नाम से हम निकाल सकते हैं। हाँ नहीं, अच्छा नाम से नहीं, मालिकान अलग अलग होते थे पहले। अच्छा जैसे ओके। कोई अखबार यहाँ से है वो लाहौर से किसी कोई और पब्लिशर है, उसका चीफ एडिटर कोई और है। अब 2007 और 8 के बाद ऐसे कानून बनाए गए, वो अच्छा किया गया। तो उसके बाद फिर जिसका जो भी नाम एक बार प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इजाजत मिल गई, वो फिर नेक्स्ट इजाजत भी, मिसाल के तौर पे जैसे हमारा हमने कराची से डिक्लेरेशन लिया था, फिर हमने लाहौर से लिया वो नाम, तो फिर हमारे को लाहौर से भी वो मिल गया, इस्लामाबाद से भी मिल गया और हैदराबाद से। अब हमारे चार जगह से अखबार शाये होता है हमारा अच्छा, एट द टाइम एट होता द है या टाइम। डिफरेंट जी टाइम्स में नहीं होता नहीं है? एट द टाइम अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल नहीं होता कि एट द टाइम आप डिफरेंट एरिया से और डिफरेंट शहरों से शाया करना? नहीं, देखें बाद ये अब तो मतलब वो जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, आसान बहुत सारी चीजों से आसानियां हुई हैं तो बहुत सारी मुश्किलात भी हुई हैं। अब मतलब मोबाइल और उसका नेट का जमाना है। अब देखें वो ऑफिस है वहां पर, वो सारे काम लाहौर का लाहौर में काम होता है, इस्लामाबाद का इस्लामाबाद में काम होता है ऑफिस में, और हैदराबाद का हैदराबाद में। अच्छा वो नहीं, मैं सारे आपसे ना जानना ये चाहती हूँ जी कि हर जो शहर है, जी हर जी जो एरिया है, उसकी न्यूज़ डिफरेंट होती है, बिल्कुल उसका ऐसे टाइमिंग डिफरेंट होता है, जी। तो इसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं हम लोग? वो टाइमिंग देखें हमारा कराची तो आपको पता है, अब लाहौर भी ऐसा होने लगा है, देर तक खुला होता है, देर तक मामला चलते हैं। लाहौर में थोड़ा सा, लाहौर में भी तब्दीली आई, इस्लामाबाद जल्दी हो जाता है। तो उसी वो जैसे जैसे न्यूज़ है वहां पर पहले सुबह से आना शुरू हो जाती है वहां की, और कराची में भी ऐसे। तो हम पहले कोशिश करते हैं वहां का स्टाफ के इस्लामाबाद के अखबार को पहले कर दें, प्रेस पे भिजवा दें, लाहौर के अखबार को फिर, इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मैं ना अपने नाजरीन से एक बात ये कहना चाहूंगी, पहले जो न्यूज़पेपर निकलते थे ना, उनमें कुछ कॉलम्स हुआ करते थे, उनमें बच्चों के लिए भी एक सेक्शन हुआ करता जी था, ठीक है, उसमें कुछ फैशन से भी रिलेटेड चीजें हुआ करती थी, तालीम से भी रिलेटेड हुआ करती थी। अभी भी है ये सेक्शन है बिल्कुल है, आपके बिल्कुल अखबार में? बिल्कुल है, ऐसी है बिल्कुल। हम अखबार जो है ना, मतलब ऐसे है कि अलहमदुलिल्लाह तमाम चीजें मतलब उसमें मैनेज है, अच्छा। हर चीज मतलब शोबिस को भी अच्छी से जगह दी जाती है, तालीम का शोबा उसको भी, कॉमर्स को भी, और क्राइम का शोबा जो है मतलब क्राइम की रिपोर्टिंग के हवाले से उसको भी, पॉलिटिकल सियासत के हवाले से भी जो चीजें होती हैं, मतलब सबको जगह दी डिफरेंट जाए। जी कैटेगरीज है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे इस पे मैं बात करती मखसूस हूँ, नहीं किया हमने कि बस इसके ऊपर ही रखना है। ठीक है, इस
बात को ना मैं जरा ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? नाजरीन एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, टी टाइम विद कोमल। वेलकम बैक जी, टी टाइम विद कोमल में आपको फिर शाम देती कहती हूँ। ब्रेक ली थी मैंने, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि न्यूज़पेपर के अंदर जो है ना वो हर चीज का सेक्शन हुआ करता था। तारी साहब हमारे पास मौजूद हैं, उनसे मैं यही पूछूंगी। अच्छा तारी साहब, मुझे ये बताएं कि पहले, मैंने जैसे भी जिक्र किया कि पहले बच्चों का एक सेक्शन हुआ करता था, आप लोगों के न्यूज़पेपर में है कोई बच्चों का सेक्शन जिसमें भाई अभी भी बच्चे जो है वो अपनी, कुछ होता है ना बच्चों को लिखने का शौक होता है तो वो कर सकते हैं इसमें? देखें अभी मतलब बच्चों का भी ऐसा रुझान, हम भी शायद उसमें शामिल हो। बच्चे अब जो है ना वो ज्यादा मोबाइल की तरफ ध्यान कर गए। अच्छा। हम जो आती हैं बच्चों की चीजें हमारे पास शेयर करने के लिए, ये अपने तौर पे हम मतलब उसको शेयर जरूर करते हैं। पहले मतलब बच्चों को ना लिखने का भी, किताबों का भी बहुत शौक था। किताबें आपको पता है लिया करते थे, पढ़ते थे। अब जरा थोड़ा सा बच्चों का ध्यान जो ना इंटरनेट, मोबाइल, गूगल, इस पे ज्यादा चला गया, वो बोलते हैं उस पर। और मैं मतलब ना मेरा ये कि मतलब अखबार हो या किताब हो, उसको आप अपने हाथ में पढ़ेंगे ना तो उसका लुत्फ और उसका मजा अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हम इंटरनेट पे हमें सारी चीजें अवेलेबल है, वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, लेकिन जो मजा आप हाथ में पकड़ के आप कोई नॉवल पढ़ते हैं ना, उसका जो एक पढ़ने का जो अंदाज है ना वो बड़ा अलग सा आता है। जी तो अभी भी मैं ये समझती हूँ कि मेरे ख्याल से बच्चों का ना पूरा माइंड डेवलप हो गया इंटरनेट की तरफ, वो वहीं से सारी चीजें निकाल कर देख रहे होते हैं। अगर कोई नया टिकर आया है, नई स्टोरी आया, तो वो वहीं से सब देख रहे होते हैं। तो किसी भी चीज को डेवलप करके उसको इस तरह से नहीं छोड़ देना चाहिए। मैं समझती हूँ कि न्यूज का हमने सिर्फ ये सोच लिया कि न्यूज पेपर में सिर्फ बुरी चीजें ही आती हैं, किसी का मर्डर हो गया, किसी की चोरी हो गई, सिर्फ यही चीजें ही हमारे माइंड में घूमती हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? असल में मैंने आपसे कहा कि पहले उसमें हम भी कुछ शामिल हैं। हम मतलब अखबारात भी हैं, मतलब कहने का मकसद है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। अगर हम एक देखें ना चीज को, मतलब हम सिर्फ उस पर रखेंगे यार हमारा चैनल या हमारे अखबार, या इसको मिसाल है क्राइम रिपोर्टिंग से या क्राइम के शोबे से अखबार की सर्कुलेशन ज्यादा होती है, तो फिर वो आवाम में तासुर गलत जाता है। बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि न्यूज़पेपर का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट ही यही हो गया है कि जी उसमें मर्डर की खबरें आ रही हैं, उसमें चोरी डकैती की खबरें आ रही हैं। मींस कि न्यूज़पेपर में हम समझते ही नहीं है कि कुछ अच्छा आता अच्छा है। ऐसे ही है। ऐसे असल में देखें मतलब उन तमाम चीजों को ना, जो अच्छे अखबार आते हैं जो भी यहाँ से शायर होते हैं पूरे पाकिस्तान, वो उन तमाम चीजों को मैनेज करते हैं हम समेत कि यार सारी चीजों, देखिए हमारे शहर के आपको पता है माजी में बहुत खतरनाक हालात हैं, हालात रहे। तो हमने उस जमाने में भी उस अपने अखबार को जो ना उस चीज से मुंसलिक नहीं किया कि वही खबरें हों, वही लाशों की फोटो हों। और अभी तक हमारे अखबार का मियार ये है कि वो हम इस तरह की फोटो ही नहीं लगाते। नहीं, ये कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई कि न्यूज़पेपर में ठीक है आप न्यूज दें, लेकिन उसमें ये जो पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, चीजें शाया हुई भी होती हैं, शायद इस वजह से भी ना आप लोग उसको अवॉइड करने लगे हैं बहुत ज्यादा। जी ऐसी है। अच्छा, एक सेक्शन उसमें एक कॉलम निगारी का भी होता है। जी, आप लोगों के पास अभी भी आते हैं कॉलम्स लिखने के लिए? बिल्कुल आते हैं, अभी भी आते हैं लोग। तो देखे हैं जो जिनको शौक है वो अभी भी लिखने का है, वैसी अखबार पढ़ने का जिसको शौक है वो आज भी पढ़ता है अखबार, और जिसको बुक पढ़ने का शौक था माजी में और आज भी वो पढ़ते हैं बुक्स। देखें अभी हमारा अलमिया ये हो गया है, मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ और उस पर रिसर्च भी करता हूँ। अभी मामला दिया है कि हमारे इस शहर में भी, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में किताबों की बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी, खूबसूरत दुकानें जिसमें जाके हम परचेज करते थे। यहाँ पर एक लिबर्टी होती, बुक्स होती थी और बहुत सारी दुकानें थी। अब ये हो गया कि वो ऐसे ऐसे ना दुकानें खत्म हो गई हैं। अब किताबों का मतलब ये अलमिया है, बहुत ज्यादा अलमिया, किताबें जो हैं वो क्या भी मैं बोलूं, फुटपाथों पे बिखरी हैं। ऐसे ही और है। हमारे जो जूत मतलब हम सबके शूज जो है वो शोकेस में रख के बिक रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि जो हमारा बेस्ट है, जो चीज हमारी वो हमें फुटपाथ पर नजर आती है, और जो चीज हमारी बेस्ट ही रही है हमारे यूज में है, वो आप देखिए आपको बड़ा खूबसूरत रैग में सजी हुई नजर आएंगी वो सारी चीजें।
किताब से दोस्ती बड़ी जरूरी होती है। अगर आपकी किताब से दोस्ती नहीं है तो आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं हो सकता। तो एक सेक्शन स्टोरी साइज का भी होता है। स्टोरी से मतलब देखें, स्टोरी तो हर चीज की होती है ना। स्टोरी मिसाल ऐसे दे के शोबिस की भी स्टोरी होती है ना। नहीं हम हमारे घर में ना एक न्यूज़पेपर आया करता था, उसमें एक सेक्शन हुआ करता था कि उसमें डिफरेंट टाइप की ना स्टोरी, जैसे डायजेस्ट में स्टोरीज होती है, तो इस वो स्टोरीज हम पढ़ा करते थे। अभी भी वो है सेक्शन आपके न्यूज़पेपर में भी है वो सेक्शन? देखिए वो बिल्कुल अलग शोभा हो जाता है वाला स्टोरी का, मतलब खवातीन की आप स्टोरीज की बात कर रही हैं, वो आती हैं और हम भी कोशिश करते हैं। दिन हमने उसका मुकर्रर करा कि इस दिन ये शाये कर देंगे, इस दिन बच्चों का कॉलम लग देंगे, इस तरह। असल में हमारा अखबार है 4 सफात का, तो हम उस पर कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीज, इंटरनेशनल भी कुछ वाकया कोई हुए होते हैं, कोई पाकिस्तानी कहीं बहुत अच्छा खिदमत अंजाम देता है तो उसको भी हम बहुत, कहीं भी हो किसी भी मुल्क में हो तो अच्छा, मेरे बताने वाले कितने जबरदस्त बैठे हैं, उन्होंने मेरी करेक्शन की कि मैडम उनको जो है वो एंटरटेनमेंट का पेज कहते हैं, एम आई राइट? हाँ, एंटरटेनमेंट का पेज। तो एंटरटेनमेंट के पेज में ना डिफरेंट स्टोरीज भी आती हैं। अभी लिखने लिखाने वाले लोग भी आप लोगों से कांटेक्ट करते होंगे। ये तो होता है कि जी हमारी ये न्यूज लगा दें, ये न्यूज लगा दें। मेन चीज होती है, कुछ लोगों को लिखने का इतना ज्यादा शौक होता है कि अब बहुत सारे लोग ना न्यूज के जो ऑफिस है वहां बड़े चक्कर काटते हैं कि किसी तरह से हमारी स्टोरी शाया हो जाए। आप लोगों के पास आते हैं इस किस्म के? बिल्कुल आते हैं। देखिए बात है कि लिखने का शौक तो है, वो देने भी आते हैं। अब वो मियार पे हो अखबार के ना। अब मिसाल है स्टोरी कम हो, किसी के ऊपर पर्सनल हमले ज्यादा हो तो उसका अच्छा, ऐसा, इस किस्म की ऐसा भी होता, ऐसा भी होता है। हाँ, वो तमाम चीजें देखना पड़ती है ना। मतलब वो कहते हैं ऐसा है कि अपने अखबार को ज्यादा बेचने के लिए, प्रमोशन के लिए वो स्टोरी उसमें झूठ ज्यादा हो और शायद करते लोग बड़े उससे पढ़ेंगे यार ये क्या चीज है, तो हम उस चीज को बिल्कुल अच्छे से तहकीक करने के बाद खबर भी, कोई भी खबर और स्टोरी भी। अच्छा, ये जिस तरह से आप लोगों का सेक्शन है, मतलब हर खबर की आप तहकीक करते हैं उसके बाद शाया करते हैं? हाँ, कोई स्टोरी हो किसी की उस पर। हाँ बिल्कुल, अगर देखें अच्छा। किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही उसकी तो आपके पास सबूत आ गए। हाँ, वो तो एविडेंस आपके पास आ गए। अगर कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें मतलब किसी का भी, किसी भी बंदे का खिलाफ वो स्टोरी जा रही है, खबर जा रही है, तो उस पर तहकीकात और उस पर मतलब जरूरी है तहकीकात करना। कोई ऐसी स्टोरी आई आपके सामने की जो बड़ी वाले जान बन गई हो आपकी न्यूज़पेपर के लिए? बहुत सारी चीजें किस भी हो रहा है, अखबार पे हो जाते हैं, सूट दाखिल हो जाते हैं, ये सब। हाँ, उस पर वो करना। कोई एक ऐसी स्टोरी मुझे बताएं जो आप आज तक आपको याद हो कि जी ये स्टोरी तो मुझे शायद करनी नहीं चाहिए थी। बहुत सारी है, बहुत सारी। एक मुझसे शेयर करें। 96 में मैं शहर कराची का एक बड़ा रोजनामा था, उसमें मैं जॉब रिपोर्टिंग करता था। अच्छा। तो किसी ने मुझे वो न्यूज़ दी तो मैंने बहुत अच्छे से उसको अच्छे से तहकीक करी और खबर मेरे को उसके कुछ एविडेंस, कुछ क्या पूरे एविडेंस मिल गए। वो मैंने खबर अखबार को दी तो वो एकदम जाहिर से बात है मालिकान उन्होंने बुलाया मुझे, मैंने सर ये चीजें, ये तो अस्पताल का साज वो है जहाँ पर इलाज हो रहा है, ये चीजें। तो वो खबर शाये हो गई। फिर वो दूसरे दिन जब खबर शाये हुई तो बहुत बड़ा अखबार था इस शहर कराची का, इस सूबे का। तो जब वो खबर शाये हुई तो बड़ी उसे उधम मचा। तो वो फिर जिनकी खबर थी उन्होंने मुख्तलिफ मतलब जो उनके जानने वाले थे, मेरे सलाम दो वाले थे, बोला इसको पूछें, ढूंढो कौन है जिसने ये और इससे मालूम है किसने इनको ये न्यूज़ दी है। तो बहुत कोशिश करी और उस पर उस वक्तों में जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा प्रेशर भी था बहुत सारे, मगर वो खबर में अपनी जगह वो थी। फिर वो जो भी अफसर था उसके साथ बहुत बड़ी इंक्वायरी शुरू हुई और उसको वहां से तब्दील कर दिया गया। सबसे देखिए जब सच सामने आता है ना तो जिस बंदे ने वो सच हमें दिखाने की कोशिश की होती सबसे पहले तो हम उसको ही जज करते हैं कि ना वो होगा ना ही कोई नेक्स्ट कोई सच्चाई हमारे सामने आएगी। खैर ये एक लंबी बात हो जाएगी। तारी साहब ये बताएं कि ये जो सेक्शन है आपका न्यूज से, ये आप डेली बेस पे सुन रहे होते हैं फला जगह पे ये हो गया फला जगह पे ये हो गया, ऐसे आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती? बिल्कुल होती है, पर्सनल लाइफ का डिस्टर्ब होती है। तो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? अब वो ऐसा होता है कि एक आध
दिन जैसे वीक में होता है ना कुछ टाइम कुछ घंटे तो घर वालों के लिए दे लेते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि टाइम घर वालों को बच्चों को फैमिली को दिया होता है, तो मगर ऑफिस से या कहीं से कोई असाइनमेंट कोई ऐसी चीज आ जाती है तो उनसे आपको पता है घर तो घर है, बिल्कुल उनसे एक्सक्यूज करके फिर बच्चों से भी माजरत करके वाइफ से जाना पड़ जाता है। काम को देखना है जाते पाते बिल्कुल अखबार एक किस कोई उसमें ऐसी गलती ना ही चली जाए या स्टोरी कोई नहीं चली जाए। वैसे मेरे भाई हैं वो सारी चीजें देखते हैं, मगर मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसको हर चीज को देख लूँ। अपने अब तो मोबाइल पे भी आ जाती है, मगर कोई ऐसी खास आ जाती है तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ उसको देखने। मींस कि पर्सनल लाइफ जो है ना, क्योंकि काम काफी जी स्ट्रिक्ट है आप जी लोगों का, बिल्कुल तो ऐसी है, काफी डिस्टर्ब होती है आप जी लोगों की ना, बिल्कुल ऐसी है। और फिर आप काफी खतरनाक भी है, खतरनाक साफ़त साफ खतरनाक भी तो है। आपको नहीं लगता कि साफ खतरनाक है? लेकिन दुश्मनियां तो आप देखें अभी अगर या आपके आपके लिए कोई बुरा सोचने वाला है तो वो हर शोबे में ही है। मतलब अगर आप साफ़त भी नहीं करें कारोबार में भी ऐसी है ना, तो बस वो ऐसा कोई नहीं है। ठीक है अच्छा है, अब दुश्मनियां तो हो ही जाती हैं यहाँ तो। आप यहाँ पर जितना अच्छा भी कर लें लोग आपको मैं फिर भी बिल्कुल बुरा बिल्कुल कहेंगे ऐसे है, मगर आप बहुत ज्यादा अच्छा करें तो भी आपके हाँ अगेंस्ट जी जाएंगे ऐसे कि जी इसको अच्छा होना नहीं चाहिए, जी अगेंस्ट आपके जरूर होंगे। जी अच्छा पहले सब मुझे ये बताएं कि आप खुद को भी स्टोरीज वगैरह लिखने का शौक है? जाहिर सी बात है, मतलब अगर मैं खुद नहीं लिखूंगा खुद काम नहीं करूंगा तो कैसे मैं अपने आप को मतलब उस फील्ड में जिंदा रख सकूंगा। फिर तो मैं कोई ऐसी स्टोरी जो आपने लिखी हो, बहुत है, रियलिटी बेस्ड? बहुत सारी स्टोरी है, बहुत इंटरव्यू है, लातादाद इंटरव्यू है। कोई किसी ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू दिया आपने कि जिसको समझते हैं कि जी एक होता है ना नो गो एरिया टाइप सा, या एक ऐसा पर्सन के भी इस बंदे से इंटरव्यू लेना काफी मुश्किल है, काफी इसमें हेडल्स हैं, कोई ऐसी पर्सनालिटी आई आपकी लाइफ में? देखिए मैं 97 में जब अखबार में था तो शुरू के दिन थे सहाफत के, तो मुझे सरदार नवाब अकबर बुगड़ी साहब के इंटरव्यू करने का मौका मिला। अच्छा और वो बड़े जबरदस्त सियासतदान थे, उनका क्या पर्सनैलिटी थी। तो वो एक ऐसा और भी इंटरव्यू है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो एक बड़ा तारीखी इंटरव्यू था उनसे। मैंने उनसे बात कर रहा था सवालत तो बहुत सारी करते करते फिर मैंने उनसे ऐसे सवाल बोला, सरदार साहब वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने आपके ऊपर कोई एहसान करा था, तो वो मुझसे नाराज हो गए। बोलने लगे वो क्या एहसान करेगा मेरे ऊपर। अच्छा उस सवाल से पहले मैं उनसे ये पूछ चुका था कि सरदार शेरबाज मजारी साहब से आपका क्या ताल्लुक है, एक बड़े सियासतदान थे, उनका भी पिछले दिनों इंतकाल हो गया तो वो थोड़े से चुप। बोलने लगे ये इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है। मैंने सरदार साहब मेरे लिए जरूरी है, तो वो उनके बहनोई थे मेरा, हाँ बहनोई थे। तो मैंने ना मैंने एक हमारे सूबे का बल्कि पाकिस्तान का बड़ा अखबार है उसमें उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, तो उन्होंने बोला कि अकबर बुगड़ी को सजाए मौत हो गई थी, तो मेरे कहने पे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने वो उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। तो अब जब मैंने उनसे ये बात कही तो वो एकदम थोड़ा से थे भी गुस्से वाले, वो थोड़ा गुस्से होने लगे। तो वो फिर मैं वो अखबार जो बड़ा उसका मिडवीक वो था वो मैं साथ लेके गया था, तो मैंने उनको वो चीज दिखाई, वो उन्होंने उनको देखा तो वो थोड़े थोड़े अपने रिलैक्स हुआ। वहां राइस हुआ थोड़ा उनका सुकून, मगर वो गुस्से के बहुत वो लगते हैं, वो आसानी से किसी से ना इंटरव्यू देते थे ना आसानी से बात किया करते थे वो। तो इतनी मैं तो ये समझती हूँ कि जो इस किस्म के शख्सियात है ना, वो बहुत कम इंटरव्यूज जो ऐसी दिया करती हैं, बिल्कुल बहुत कम वो बिल्कुल सामने आने की कोशिश जी करते जी हैं। बहुत उनका नाम था, उनका जी फेम था, जी लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज में है, वो बहुत ही कम इंटरव्यूज दिया बिल्कुल करते थे ऐसे। मैं काफी। अगर आज मेरे को पता होता मैं शायद वो सारी चीजें आपके पास इंटरव्यू की वो लेकर आता, जो मतलब उन लोगों से अकबर बुगड़ी साहब इमरान खान साहब उस टाइम सियासत में कुछ नए नए थे उनका इंटरव्यू, या अभी जो हमारे मौजूदा सदर हैं आरिफ अलवी साहब इनका घर ये शारिफ एस एल पी था उस पर मैंने इनका इंटरव्यू किया था,
और मतलब जैसे सज्जाद अली शाह साहब को उस टाइम हटाया गया था एक उसके अच्छा, साथ। आपकी स्टोरी को ना मैं यहीं से सुनती हूँ। एक ब्रेक मुझे लेनी है, एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो तारिक साहब से इसकी ये स्टोरी सुनते हैं कि इसकी क्या स्टोरी। मैं इसी सवाल को ना आपसे ब्रेक के बाद दोबारा करूंगी, क्योंकि इसके पीछे एक और सवाल भी है। ठीक है नाजरीन, तो एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सो स्टे विद अस, टी टाइम विद कोमल। वेलकम बैक जी, टी टाइम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। तारिक साहब से मेरी बड़ी मजेदार किस्म की बातें हो रही है। आपने सुना होगा कि जो सहाफी साहबान है ना, उनसे गपशप करने में ना बंदा बड़ा बोर हो जाता है, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सिर्फ सहाफत से रिलेटेड बात नहीं करें, थोड़ी और भी चेंजिंग जी टॉपिक होते हैं। जरूरी जी नहीं कि हम सिर्फ उसी चीज पे जी बात करें। बिल्कुल सब जी। अच्छा तारिक साहब, आप मुझे स्टोरी एक सुना रहे थे, उसको जरा कंटिन्यू करें ना। अकबर बूढ़ी साहब की। जी, अच्छा तो वो जब अच्छा मेरी एक मतलब एक मेरा जहन है और मेरी एक वो होती है कि मैं पहले जब जिसका भी इंटरव्यू करूँ ना तो पहले बड़े तहम्मुल वाले और जो उसके उसके पसंदीदा सवालात है ना वो मैं उससे करूँ ताकि वो मुतमईन होके मेरा अच्छा, आपका पसंदीदा सवाल क्या है? सबसे पहले क्या सवाल करते हैं आप? कि उसने लाइफ जो है अपनी लाइफ जिससे आपने पूछा लाइफ स्टार्ट लाइफ का स्टार्ट और जिस भी शोबे में वो आया क्यों आया और उनका बैकग्राउंड किस उससे ताल्लुक रखता है ये सारी चीजें। अच्छा, कुछ लोगों को ना कुछ सवालात भी बड़े जो है वो बुरे लगते हैं सहाफियों के, ऐसा आपने देखा भी होगा प्रेस बिल्कुल है कॉन्फ्रेंस में भी। बिल्कुल है। तो कौन सा ऐसा सवाल है जो आप करते हैं और उस पे रिएक्शन जो है वो बड़ा बुरा आता है? ऐसे बहुत सारे जब उससे पूछे हैं किस कोई भी हो किसी भी शोबे का ताल्लुक कि आपका ये बजट है तो साफ़त के लिए उस साफ़त के शोबे के लिए बजट क्या रखा गया है आपके डिपार्टमेंट का या आपकी क्या कहते हैं जो भी सियासी तंजीम है मतलब सियासी पार्टी है। साफियों के लिए बजट से मुराद ये होता है कि साफी आए। अब मिसालें देखें साफ़त तो सुबह से कहीं गया है कहीं प्रोग्राम है उसका वो पहुंचा उस घंटे अब वो वहाँ उस प्रोग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें पहुंचा है और वो वहाँ से मिसालें चाय भी ना मिले उसको साफी को है ना तो वो उसके लिए बड़ी तकलीफ की बात होती है। इसलिए मैं सवाल अक्सर करता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं ये बात। अच्छा, बजट की बात करते तो कराची शहर की तरफ आ जाते थोड़ा जी सा। जी जी एक सहाफी होने के नाते जी आप देखिए कराची के हालात और कराची को किस तरह से देखते हैं? अलमिया 70% रेवेन्यू देने वाला शहर की तरक्की जो ना मतलब कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं काफी सालों से और अभी 2016 से तो बहुत ज़्यादा मैं पंजाब 15-16 में गया हूँ। हमारे शहर कराची के मुकाबले में लाहौर बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है मुल्तान बहुत ज़्यादा तरक्की वो कर गया है। बिल्कुल बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। आप जरा जी मुल्तान जाकर देखें, जी आपको लगेगा कि आप कराची तो भूल जाएंगे, इतनी जबरदस्त उनकी मेंटेनेंस है, सारी चीजें बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा उनके देखें मैंने मतलब ये देखा अंडरपास ऐसे हैं कि उसमें ज़रा सा भी झूल नहीं है लाहौर में भी बिल्कुल नहीं है। रोड इतने अच्छे बने हुए हैं यहाँ पर हमारे अंडरपास देखें अगर जो बने उसमें बस यहाँ जो अंडरपास बने हैं वहां उसमें बारिश आ जाए तो वहां जो लोग हैं ना वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं ऐसे ही। ऐसी और अगर बारिश नहीं हो तो गाड़ी गुजरती है तो उतनी उछलती है कि या वो इतना ब्रेक मारता है कि पीछे वाला उसमें उस गाड़ी में अच्छा तारिक साहब, एज अ सहाफी, ठीक है, तो आप कराची के लिए क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं कराची के लिए कराची के लोगों को क्या मैसेज कराची के देना लिए चाहेंगे? सबसे पहले मैसेज ये दूंगा कि कराची के मेन तरक्की के लिए ना पहले सबसे पहले सीवरेज का सिस्टम जो है ना उसको बेहतर करें फिर दीगर काम चीज़ें चलेंगी। और तरक्की के लिए हम सबको ना मतलब सबने काम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूँ गाड़ी में या मेरे बच्चे या मेरी फैमिली है तो हम कोई चीज़ लेते हैं हम बाहर मतलब वो खा के उसका रेपर या जो भी बाहर फेंक देते हैं है ना तो वो हम सबको मतलब गवर्नमेंट के ठीक है जिम्मेदारी मगर अगर हम खुद नहीं करेंगे मिसाल सुबह उस रोड की सफाई हुई है या धूप हुई है जिस टाइम फिर हम गुजरे वहाँ से उसको हम खुद गंदा करते फिरे तो हमें भी काम अब गवर्नमेंट के साथ हमें खुद भी कानून की पाबंद बनना पड़ेगा। पाबंद बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने तारिक साहब। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी चीजें खराब हो रही हैं,
चाहे वो आपके रोड हैं, अंडरपास हैं, इवन आप, हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, वो आपके घर का कचरा भी गवर्नमेंट आकर लेकर जाए। तो नाजरीन, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल हमें खुद रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत अगर आप खुद भी अपनी जगहों को, अपने एरियो को साफ रखने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना बिल्कुल पड़ेगा। अच्छी। तो आज के मेरे मेहमान थे तारिक साहब, और सहाफत से उनका ताल्लुक था। बड़ा अच्छा लगा तारिक साहब, आप थैंक तशरीफ लाए, यू आपने वक्त दिया, थैंक यू आपको। सो मच। नाजरीन, आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा तारिक साहब से मिलकर, क्योंकि बिल्कुल ही एक सहाफत पे बात नहीं की हमने, थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी जाके बात की, क्योंकि जब डिफरेंट वे में जाके हम बात करते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा हमें अच्छा लगना शुरू हो जाती हैं। खैर, आज का एपिसोड यकीनन आपको पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सो अल्लाह हाफिज़।